तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीसीए, बीसीए एंड एमसीए के बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। बेसिकली मैं ये कमेंट बेस वीडियो बना रहा हूँ। तो जो कि मेनली इस वीडियो का पर्पज वो ये है कि बीसीए एमसीए के बाद आप कौन सा कोर्स या कौन सा ट्रेनिंग कर सकते हो जिससे कि आपको आप जॉब मिल जाए, एक बेटर जॉब मिल जाए, और किस लाइन में आप जा सकते हो, नेटवर्किंग या सॉफ्टवेयर, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक होता है एमसीए जो कि मास्टर डिग्री होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो होता क्या है कि जब आप बीसीए कर लेते हो, एमसीए कर लेते हो, तो मींस आप एक टेक्निकल पर्सन हो जाते हो, आप एक टेक्निकल इंजीनियर बन जाते हो। अब अपना अपना इंटरेस्ट होता है, कोई बोलता है मैं सॉफ्टवेयर लाइन में जाऊंगा, कोई बोलता है मैं नेटवर्किंग लाइन में जाऊंगा, कोई बोलता है मैं हार्डवेयर करूंगा या एप्लीकेशन सपोर्ट में, मतलब वो एक सॉफ्टवेयर लाइन हो गई। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, देखो इंटरेस्ट की बात तो आप पे डिपेंड करती है, लेकिन मैं क्लैरिफाई करूंगा कि विच वन इज़ द बेस्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर लाइन में आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट में जा सकते हो, जावा फ्रंट एंड बैक एंड में जा सकते हो, डेवऑप्स में जा सकते हो, तो बहुत सारी कैटेगरी होती है। वहीं आपकी एक सेकेंड हैंड पे होती हैं नेटवर्क प्रोफाइल, लिनक्स प्रोफाइल, क्लाउड प्रोफाइल, सपोर्ट प्रोफाइल, एंड इसके बाद में सिक्योरिटी, और बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जो कि आप एक सेकेंड हैंड पे जा सकते हो। अब बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, मैं एक बेसिक चीज़ आपको बता दूं। देखो कोडिंग में हमेशा से पैसा ज़्यादा रहा है, चाहे वो जावा बैक एंड हो, चाहे जावा फ्रंट एंड हो, चाहे एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, तो कोडिंग लाइन में आपका पैसा हमेशा ज़्यादा रहा है, पे स्केल आपका हमेशा कोडिंग में ज़्यादा रहा है, तो वो चीज़ हो गई। अब पे स्केल उसमें ज़्यादा क्या, देखो देखो जाहिर सी बात है जिस जॉब में आपको ज़्यादा काम मिलता है, ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस जॉब का पे स्केल हमेशा अच्छा होता है। अब वहीं पे बात करूँ मैं नेटवर्किंग प्रोफाइल के बारे में या किसी और प्रोफाइल के बारे में, तो वहाँ पे स्केल थोड़ा सा कम होता है इनिशियल लेवल पे, लेकिन जब आप उसमें और आगे जाते हो और अच्छा करते हो, तो उसमें भी पे स्केल आपका काफ़ी अच्छा खासा होता है। वहीं पे एक सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है डेवऑप्स। अगर आपके पास नेटवर्किंग का भी नॉलेज है, एक ए वाली भी ए साइड का भी नॉलेज है, और बी साइड का भी नॉलेज है, मतलब कि सॉफ्टवेयर का बताया एक पार्ट और बताया, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आपको है, आपके पास उसका नॉलेज है, तो आप डेवऑप्स में जा सकते हो, जिसकी अच्छी खासी सैलरी होती है। मतलब मैं अगर बात करूँ कि इन अराउंड आपको 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद अराउंड आपको 25 से 30 लाख का पैकेज आराम से मिल जाएगा ईयरली, तो वो भी एक बेस्ट प्रोफाइल होती है। अभी आप एप्लीकेशन में जाना चाहते हो, तो एप्लीकेशन में आप अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सीखना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, खुद के एप्लीकेशन भी बना सकते हो, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सेकेंड हैंड का मैंने पार्ट बताया, उसमें बिजनेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें इनिशियल बूस्टअप के लिए पैसे आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आप चाहे नेटवर्किंग की कंपनी खोलोगे, हार्डवेयर की, कोई सा भी आप खोलते हो, तो इनिशियल आपको उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वहीं सॉफ्टवेयर में आपको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप इनिशियल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन बना के, वेबसाइट बना के किसी को बेच सकते हो, या फ्रीलांसिंग पे भी आप कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। बट आपको उसमें अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, डे टू डे आपको टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना पड़ेगा, तो वो सारी उसमें चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, एक एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जैक्टली क्या होता है। कभी मैं इस पर एक एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं उस पर बात करूंगा आने वाले कमिंग डेज में। टेक्निकल सपोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन नीचे लिंक में दिए हैं, वहाँ पर जाके आप परचेस कर सकते हो। 95% आपको वो इंटरव्यू में मिल जाएंगे, जो कि बहुत हेल्प वो करने वाले हैं। आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल के अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो नीचे लिंक और मेरा रिज्यूमे में भी दिया है, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बहुत मस्त रिज्यूमे है, शॉर्ट लिस्टेड के लिए उतना इनफ है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चलो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम महमल, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।